दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगेश लोहार और हमारे YouTube चैनल लवकुश ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटी सी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि आपकी गाड़ी के टायर में कितनी हवा होनी चाहिए। गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनको ये नहीं पता होता है कि आपको आपकी गाड़ी में कितनी हवा रखना होता है। अगर आप आपकी गाड़ी में जो टायर हैं अगर उसमें हवा प्रॉपर रखते हैं आप, तो आपकी गाड़ी की टायर की लाइफ भी बढ़ती है, प्लस आपका जो माइलेज है उसमें भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपकी गाड़ी में टायर और जो रोड के जो बीच का जो कनेक्शन है, आप गाड़ी चलाते हैं तो रोड और पे बिल्कुल चिपक के चलती है गाड़ी। अगर आपकी टायर में अगर हवा प्रॉपर नहीं है या हवा ज़्यादा भर रखी है आपने, तो उस गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ेगा, गाड़ी कभी स्किड करने का चांस भी रहता है और गाड़ी जंप अगर ज़्यादा उछलती है, तो इसके लिए हमें आपकी जो टायर है उसमें हवा कितनी होनी चाहिए ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो आज हम दोस्तों आपको जो ड्राइवर साइड है, ड्राइवर साइड वाला गेट खोलेंगे आप जब एक बताएंगे हम आपको। कि ड्राइवर जो साइड गेट है उसका जो साइड पिलर दिया हुआ है, यहाँ आप देखना यहाँ एक स्टिकर लगा हुआ है। दोस्तों तो अब ड्राइवर जो साइड वाला गेट है उस गेट को आप खोलेंगे तो गेट के लॉक के यहाँ पे पिलर पे आपको एक ये वाला स्टिकर दिखाई देगा। आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टिकर है, इसमें देखिए आप कोल टायर इन्फ्लेशन प्रेशर बताया रखा है, KPA है और एक PSI। अपने यहाँ PSI में एयर प्रेशर चेक करते हैं। यहाँ टायर का साइज बता रखा है कि 145/80R12 और 155/70R13। तो दो तरह के टायर आप जो कंपनी ने दिया, जैसे हमारे पास हुंडई की ये उन गाड़ी है तो कंपनी दो तरह के टायर प्रोवाइड करा सकती है, अलग अलग वेरिएंट में अलग हो सकता है टायर, तो इसके अकॉर्डिंग बता रखा है। अगर यहाँ कार बनी हुई है देखो, ये आगे वाला व्हील है ये पीछे वाला व्हील है और दोनों के पॉइंट बता रखे कि आपको गाड़ी में कितना प्रेशर रखना है। अब ये फर्स्ट फ्लो पॉइंट बता रहा है कि 1 से लेकर 3 पैसेंजर हैं प्लस कुछ सामान है आपके पास, तो आपको फ्रंट वाले व्हील में 33 PSI की हवा रखनी है। आगे वाला जो दिया है वो KPA में दिया हुआ है 230 और यहाँ भी 230 और ये 33। आगे और पिछला टायर में हमको बराबर हवा रखनी है, लेकिन जब पैसेंजर बढ़ जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं 5 जने बने हुए हैं प्लस आपका लगेज भी साथ में है, तो यहाँ जो KPA में साइज दिया हुआ है वो 250 दिया हुआ है प्लस ये जो PSI में साइज प्रेशर बता रखा है एयर का वो 36 है। अब रियर वाले व्हील में भी देखेंगे आप तो 250 KPA है प्लस 36 PSI है। तो आप जब भी गाड़ी में हवा भरवाने जाएं तो प्लीज़ आप ये आपकी गाड़ी में जो भी प्रेशर पॉइंट है वो देख लीजिए, उसको देखने के बाद ही आप गाड़ी में हवा भरवाइए। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।